हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे स्पिनच फलाफल, या आप इसे पालक छोले बॉल्स भी बुला सकते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। 2 कप भिगोए हुए छोले, 1 कप पालक का प्यूरे, 1 कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरा धनिया। अब हमें छोले और हमने जो हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे अच्छे से पीस लेना है और इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। फिर इसमें प्याज, पालक का प्यूरे, धनिया पत्ता, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। और फिर इसमें हमें 2 चम्मच चावल का आटा, 3 चम्मच बेसन मिलाना है और इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। आप अपने हाथ यूज़ कर सकते हैं इसको मिक्स करने के लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इससे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए आप ऑयल को अपने हाथ के ऊपर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे चीज़ लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें हम चीज़ भर के बॉल्स को रेडी कर लेंगे और मेक श्योर कि इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से अपने दोनों हाथों से गोल गोल घुमा के बॉल की शेप में दे दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं है। अगर क्रैक होगा तो वो फिर ऑयल में जाके फट जाएगा। ऐसे ही हम सारे बॉल्स को बना लेंगे। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भरना चाहते तो आप मत भरिए, या अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ भी भर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ मेरे 6 बॉल्स बन के रेडी हैं। अब इन्हें हम गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना तो आप इसे पैन में सेक भी सकते हैं हल्के ऑयल में। इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए और आप इसे हल्के से चलाइएगा, नहीं तो ये फूट भी सकता है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो हमारा ये चीज़ी स्पिनच फलाफल बनके रेडी।